खबर उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार महोदया के आदेशानुसार जनपद में वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में सावसी जनपद की पुलिस ने 29 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों का मामला, जहां पर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार महोदया के दिशा निर्देश पर विशेष अभियान चलाते हुए 29 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान थाना कोतवाली भिंडगा की तरफ से 5, थाना सिसिया की तरफ से 3, मल्लीपुर की तरफ से 3, सोनवा की तरफ से 1, गिलोला की तरफ से 5, थाना इकोना की तरफ से 11 तथा थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती की तरफ से 1 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। कुल 29 वारंटियों को सावसी जनपद में अभियान चलाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। सावसी जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने अभियान चलाते हुए 29 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सावसी जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों का यह पूरा मामला, जहां पर सबसे ज़्यादा थाना इकोना में 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। कुल पूरे जिले में 29 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। सावसी जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या के दिशा निर्देश पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 29 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।